Hello everyone, welcome back to my channel Crystal Joyful. आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चिल्ली फ्राई, वो भी टेस्टी तरीके से। पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन चिल्ली को अच्छे से वॉश करके इसे बीच में से काट लिया है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये लिया है हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और ये मैंने रोस्टेड पीनट लिया है, इसे ग्राइंड कर लिया है। और फ्राई करने के लिए थोड़ा ऑयल, इसमें हम थोड़ा स्वाद के लिए चिकन मसाला ऐड करेंगे। ये सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा मसाला रेडी हो गया है। अभी हम इस मसाले को हरी मिर्च के अंदर फिल करेंगे। अभी हम इसमें इस हरी मिर्च में ये मसाला ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मसाले से हम फिल कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरे हरी मिर्च को मसाले से फिल कर लेंगे। अभी मैंने हरी मिर्च को अच्छे से फिल कर लिया है, आप ऐसे देख सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे गैस पर नॉनस्टिक पैन रखा हुआ है, ये थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें मैं थोड़ा ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने के लिए रख देंगे। अभी हम इस गर्म ऑयल में हमारी हरी मिर्च ऐड करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है ऑयल के अंदर, इसे हम 5-10 मिनट्स तक ढककर पकाएंगे। अभी आप यहाँ में देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस मिर्ची के ऊपर लिड लगा लिया है। अभी इसे हम मीडियम फ्लेम में 5-10 मिनट्स फ्राई कर लेंगे। अभी हम लास्ट में लेमन ऐड करेंगे। इस ग्रीन चिल्ली फ्राई को हम पराठे के साथ, पाव भाजी के साथ खा सकते हैं। हमारी ग्रीन चिल्ली फ्राई रेडी हो गई है। आप भी ऐसे घर में बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।